मथुरा में इस बार दिवाली पर लोगों के घरों में खुशहाली और प्रकाश बिखरने जा रहे हैं। मथुरा जिला जेल में बंद उन कैदियों के हाथों में बने दीपक, मोमबत्तियां और हवन पूजन सामग्री, जिससे कई हफ्तों से जिला जेल में अपने ही किसी गुनाह के कारण बंद है। लेकिन ये भी आम इंसान है, इनकी भी हसरत है कि वो अभी अपने परिवार के साथ इन खुशियों का त्योहार दिवाली को अपने परिवार के साथ मनाए। लेकिन जब वो खुद इस जेल की चार दीवारी में बंद होकर परिवार के साथ दिवाली नहीं मना सकते, तो उन्होंने अपने हाथों से बनाए दीपक, मोमबत्तियों के साथ अन्य सामग्री के माध्यम से ही लोगों के घरों तक पहुंचने का तरीका निकाला है कि जब उनके ये दीपक लोगों के घरों में रोशनी करेंगे, तो उनके जीवन में भी रोशनी माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी जरूर लाएंगे। ऐसी ही सोच के साथ जब फरुखाबाद के रहने वाले कन्हैया लाल, जो कि पिछले 5 साल से मथुरा जेल में बंद है, जिन्होंने पहले ऐसा कुछ हुनर दिखाया, तो मथुरा जिला कारागार के जेल अधीक्षक व जेलर के साथ डिप्टी जेलर ने इन कैदियों के हौसले बढ़ाने के लिए सारे सामान का बंदोबस्त किया और फिर जेल के अंदर ही बन गया पूरे दिवाली मनाने का साजो सामान, जिसमें दीपक, माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की मूर्ति, मोमबत्तियां भी तैयार की गई। क्या नाम है तुम्हारा? भैया लाल। कहाँ के रहने वाले? फरक्काबाद के। यहाँ मथुरा जेल में कब से हो? 5.5 साल हो गए। तो क्या ख्याल आया आपका ये दीपक और ये सब बनाने? ख्याल ये आया, अधीक्षक साहब ढूंढते थे मुझे, तो मैंने कहा दीपावली के मुहर्रम में सब बनवाया सामान को, यही जो खुशियों का यही सामान सस्ता बेचेंगे जेल का, और जो है सब खुशी मिलेगी सबको, सब गरीब गुनिया सब पूजा करेगा लक्ष्मी गणेश की, दीपावली दिया भी बिकेंगे। तो आप चाहते थे कि आपके हाथ के सामने लोगों के घर तक पहुंचे और उन्हें खुशी मिले और आप यहाँ बैठे हैं? ये चाहते थे मैं। आप यहाँ पे जेल में रह के कैसे दीपावली मना पाते हैं, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हैं, तो ऐसे में कैसे आया कि और लोगों की खुशियों को आप दीपावली ऐसे और सबकी खुशियाँ बढ़ेंगी तो मेरी भी खुशी बढ़ जाएगी। दीपावली को जो हाथ में दीपक जलाएंगे तो नाम तो मेरा धोख कुछ लेंगे भी कि किसी भी कैदी ने बनाए हैं। जैसे बताइए जो यहाँ दीपक लक्ष्मण जी बने, क्या कहेंगे इसमें? जैसे कि बंदे यहाँ पे निरुद्ध हैं और उनके हाथ में बाहर जाने पे भी ऐसा कोई रोजगार हो जिसका जीवन उपार्जन हो कर सके, इसलिए बंदियों में जो ऐसा हुनर है उसको जांचा परखा गया और उनको ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई ताकि वो आत्मनिर्भर बने और बाहर जाके वो उनका रोजगार भी परिवार के भरण पोषण के लिए हो सके। इसलिए हमने इस छोटे पैमाने पर दिवाली के अवसर पर दिए, मोमबत्ती, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों को जो बंदे इस हुनर में माहिर हैं उनको परखा बनाया गया है। अभी ये छोटे पैमाने में शुरू किया गया है, आने वाले समय में रिस्पांस देखते हुए आगे और उसमें। तो यहाँ ही दिया और कितनी लक्ष्मी माता की, गणेश जी की मूर्तियाँ? लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ 100 जोड़ी बनाई गई हैं, मोमबत्तियाँ लगभग 2000 के पीस में बनाई गई हैं और दिए भी लगभग 1000 के लगभग बनाए गए हैं। तो किस तरह का ये आप संदेश देना चाहते हैं कि जेल में बंदियों के द्वारा लक्ष्मी गणेश जी, दीपक जी की मूर्ति बनाकर क्या सोच के साथ इसको? बंदी एक तरह जेल वर्तमान में सुधार गृह के तौर पे देखा जा रहा है, इसलिए बंदी जो भी आए हैं यहाँ निरुद्ध हैं वो अपने जो गलतियाँ हुई हों उनका पश्चाताप करें और जो उनके में हुनर है उसको और सीख के वो यहाँ पर उनका हुनर रुकने ना पाए, इसलिए उसको प्रोत्साहित करके जब छूट के जाएँ तो आगे उसको काम दें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।